एवरीवन, वेलकम टू नीतूज किचन स्टोरीज। नवरात्रे शुरू हो रहे हैं तो क्यों ना नवरात्रे वाली रेसिपी बनाई जाए। आज मैं शेयर कर रही हूँ सिंगाड़े के आटे की पूड़ी, जो नवरात्रे में खाई जाती है और ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने दो आलू लिए हैं, इसको कद्दूकस कर दिया है। 1.5 कप ऑफ सिंगाड़े का आटा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्ची का पाउडर, 1 कप ऑफ धनिया, चॉप्ड धनिया। और क्योंकि हम ये व्रत के लिए बना रहे हैं, फास्ट के लिए बना रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे सेंधा नमक। हम इसके लिए आटा गूंदेंगे, तो डाल देंगे आलू, सिंगाड़े का आटा 1.5 कप, काली मिर्ची, कटी हुई हरी मिर्ची, सेंधा नमक, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डालिएगा, और डाल देंगे धनिया। इसको अब हम मिक्स करेंगे। इतना गूंदने के बाद अब हम यूज करेंगे पानी। ये देखिए, अब हम इसकी पूड़ियाँ बेलना शुरू करेंगे। ये 1/2 कप पानी लिया था मैंने और इतना सा बच गया है, अबाउट 2 टेबलस्पून बच गया है। चकले पे या जो भी आप सरफेस यूज़ कर रहे हैं पूड़ियाँ बेलने के लिए, उस पे तेल लगा लीजिए। और इस पे भी हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे और बेलेंगे। अब हम पूड़ी को फ्राई कर दें। ऐसे आप अपनी सारी पूड़ियाँ फ्राई कर दीजिए। Thank you.